हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवली के ड्रम एक्सप्लेनेशन। लास्ट एपिसोड में हमने दोजन को देखा था जो लॉकर को खोल रहा था, और दो ही और ग्योन दोनों के दोनों से देख रहे होते। तभी दोजन को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो दोजन पीछे मुड़ के देखता है तो उसे कोई दिखाई तो नहीं देता। दोजन वहाँ पर आगे बढ़ने लगता है तो वहाँ पर दोही को लगता है कि दोजन उसे देखने के लिए आ रहा, तो अपना हाथ आगे बढ़ाती है ग्योन को, कहती है कि हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। तो ग्योन उस अपना पावर का यूज़ करके वहाँ से निकलने की कोशिश तो कर रहा होता, बट अचानक वहाँ पर पावर उसका काम नहीं करता। तो ग्योन को लगता है एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ग्योन उनसे बचने के लिए वो उसे किस कर देता है, और जैसे दाइजोन वहाँ पहुँचता है और उन दोनों को किस करते हुए देखता है तो पर्दे को फिर से बंद कर देता है। और उसे नहीं समझ में आता कि कौन था यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि वो दोनों इस किस के बाद बहुत काफ़ी क्लोज आ चुके होते हैं। दाइजोन जब पर्दा हटाता है तो उसे सिर्फ दो कपल्स दिखाई देते हैं जो किस कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद वो पर्दे को बंद कर देता है। और फिर हम ये देखते हैं कि ये दोनों जो कर रहे होते हैं वहाँ पे पिक्चर्स आ जाती है, और यहाँ पे ग्योन से कहता है कि सॉरी मुझे माफ़ करना। तो ही भी इतनी अनकम्फर्टेबल होती है, कहती है कि कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं ग्योन बाहर निकलता है और दो ही भी बाहर निकलता है उन दोनों को देखने के लिए। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं दोजन तो जा चुका होता है। और फिर वो दोनों लॉकर के पास जाते हैं और लॉकर को खोलते हैं, और लॉकर के पास तो कुछ भी नहीं होता। हम ग्योन को देखते हैं जो उस पिक्चर को उठा करके देख रहा होता है, फिर उसे पॉकेट में डाल देता है। उसे किस करते वक्त का सीन भी याद करता है और बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा होता है, जैसे पता चल रहा है कि वो भी किस तरह से दोही के प्यार में पागल हो चुका था। फिर हम उससे सीरियस हो जाते हैं, देखते हैं कि सीरियस मूड में आ चुका होता है, उस पिक को अपनी पॉकेट में डालता है। और हम देखते हैं दोही लॉकर को चेक कर रही होती है, बट उस लॉकर में कुछ नहीं होता। तभी वहाँ पर एक बेगर आ जाती है जो उन दोनों से कह रही होती कि मुझे पता है कि तुम क्या ढूंढना चाह रहे हो। उससे ऐसा लगता था कि बहुत सारी बातें पता होंगी, तो वो उससे कह रही होती है कि मैं ना वो दोनों से कह रही होती है कि आप तो जानती ही होंगे कि मैं कौन हूँ। तो दोही से कहती है कि नहीं मैं तो नहीं जानती। तो यहाँ पे ग्योन उसे कहता है कि तुम बेगर हो ना, और क्या। तो वो कहती है कि हाँ मैं बेगर हूँ। तो यहाँ पे ग्योन उसे कहता है कि तुम हमारे मामले में इंटरप्ट क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे मामले में इंटरप्ट नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस तुम दोनों को ही नज़रें गड़ा के देख रही हूँ कि तुम दोनों क्या करने वाले हो आगे। फिर हम देखते हैं आगे का सीन। बाहर ग्योन दोही का कलाई मांग करके अपनी पावर को चेक कर रहा होता है, एक प्लांट को लेकर के देखता है कि इसमें फ्लावर निकल रहा है कि नहीं। तो वहाँ पर देखता है कि उसकी पावर्स तो काम कर रही। तो दोही से कह रही होती है लगता है तुम्हारी पावर्स में कोई प्रॉब्लम है। फिर हम देखते हैं कुछ बाद वो फ्लावर सूख जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर दोही और ग्योन दोजन का पीछा करते हुए उसके घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो तो यहाँ पे दोही और ग्योन दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। तो ग्योन कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो दोही कहती नहीं ये बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे उसकी माँ मेडिटेशन कर रही होती है, तो वहाँ पे दाइजोन आता है। तो उससे कहती है कि दाइजोन मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ तुम रुको ज़रा। तो वो उससे बात कर रही होती, कहती कि तुम्हारे साइकेट्रिस्ट को मैंने आज तक नहीं देखा है, कहाँ है वो आजकल। तो वो बताता है कि मैं अभी साइकेट्रिस्ट से नहीं मिल रहा क्योंकि मैं परफेक्ट हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे फादर पूछ रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो। तो दाइजोन उससे कहता है कि मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, आप परेशान मत होइए, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी। फिर ये अपनी टीचर से कहती है उसकी माँ कि मैं बाद में अपना मेडिटेशन का सेशन स्टार्ट करूँगी। फिर हम ग्योन और दोही को देखते हैं, जहाँ पे ग्योन दोही से कह रहा होता है कि मेरी पावर्स तब गई थी जब पहली बार मेरा तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हुआ था, और हम दोनों एक ही एक्सीडेंट में थे, तो मेरी पावर तुम्हारे साथ बदल चुकी थी। बट अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरी पावर्स काम क्यों नहीं कर रही हैं। तो वो उसे कहता है कि शायद मेरे को चार्जिंग की ज़रूरत है। तो उसका हाथ पकड़ के चार्ज ले रहा होता है। तो ये सुन करके तो इसे कहती कि क्या नॉनसेंस है, लगता है कि तुम ये सब इन्जॉय कर रहे हो। तो ग्योन कहता है कि मुझे मेरी कॉफ़ी चाहिए। फिर अगले सीन में हम सॉकविन को देखते हैं जो पिक्चर्स को देख रहा होता है। उसमें एक पिक्चर होती है जिसे वो जूम करके देखता है, जिसमें उसे हमारा ग्योन दिखाई देता है। फिर अगले सीन में हम पाक्यो और मिस सिन को देखते हैं जो फिर की तरह लड़ाई कर रहे होते हैं, सामने होते हैं, और दोनों ही एक दूसरे को ऐसा देखते हैं जैसे कि बहुत बड़ा मैच करने वाले हैं और बुरे तरीके से बात कर रहे होते हैं। और फिर दोनों ही कमरे में आ जाते हैं दोही और ग्योन के। हम देखते हैं कि दोही और ग्योन के पास ग्योन का बहुत सारा स्टाफ होता है जो सामान उस कमरे में पा क्यों लाया होता है। तो वो उससे पूछती है कि तुम इतना सारा सामान क्यों लेके आए हो। तो बताता है कि मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो ये मेरी ज़रूरत का सामान है। सीन तो कहती है लगता है शादी के बाद सारे ही लड़के पागल हो जाते हैं और ये सब झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ी आर्ग्यू हो जाती है, जिससे कि वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे पर्सनल में बात करना है। तो उसे कमरे में खींचती है दोही और कहती है कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुमने कैसे डिसाइड कर लिया तुम इतना सारा सामान मेरे घर में ला के रखोगे, कहाँ रखोगे, ऐसे सोचा तुमने, मेरा घर तो कितना छोटा है। तो ग्योन कहता है कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, तुम्हें मुझसे सोचना चाहिए था शादी करने से पहले कि मेरा सामान कहाँ जाएगा। और तुम्हें तो पता है ना कि मेरी इतने स्पेशल चीज़ें हैं, मैं उनके बिना कैसे रह सकता हूँ। तो बस दो ही यहाँ पे उनकी बातें सुन रही होती है। तो दो ही से कहती है
कि तुम भी अपनी स्पेशल चीज़ों के साथ घर के बाहर चले जाओ, और वो सारा सामान और उससे भी बाहर कर देती है। तो वो कहता है कि ठीक है थैंक्स, और कहता है कि मेरी कॉफ़ी तो मुझे तो कॉफ़ी भी देना नहीं चाहोगी क्या? तो वो उसे कॉफ़ी भी दे देती है दरवाज़ा खोल कर। पाखियों आता है, कहता है कि आज अब लग रहा है कि तुम परफेक्टली मैरिज कपल हो गए हो। तो वो कॉफ़ी पी रहा होता है और कहता है कि लो तुम्हारी बातों से मेरी कॉफ़ी भी कड़वी लगने लग गई है मुझे, और कहता है कि अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो यहाँ पे दो ही कह रही होती है कि शादी करना कितनी परेशानी है। तो यहाँ पे मिस चीन कह रही होती है कि हाँ, क्योंकि मुझे पता है शादी करना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ही कहती कि आपने शादी करी थी, सबको पता है। तो मिस चीन बताती हैं कि हाँ मैंने शादी करी थी। हम पाखियों को देखते हैं जो सारा सामान गाड़ी में रखवा देता है दोबारा से, और गुवान से कह रहा था। तभी से गुवान को दोही का कॉल आता है और दोही का फ़ोन उठा लेता है गुवान, और दोही कह रही होती है कि तुमने कैसे सोच के ये सारा काम किया है, अब मैं नहीं बोलूँगी तुम्हें घर आने के लिए, तुम कब आ रहे हो? फिर वो कहती है कि ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, जब तुम चाहे आओ। पाखियों उसे कह के जा रहा होता है कि मुझे गए उनके परफॉर्मेंस को देखना, और प्लीज़ आप भी आके उसका परफॉर्मेंस को चेक कर लो, क्योंकि उसका हमें फ़ाइनल फाइनल प्रोग्राम में तो आना ही होगा आपको। तो यहाँ पर गायन कहता है कि ठीक है ठीक है। अगले सीन में दो ही गायों गुवान का सामान देख रही होती है जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। कहती है कि कैसे कैसे सामान से उसने रखे हैं जो बिल्कुल एंटीक पीस की तरह है, और सारा सामान चेक कर रही होती है और कहती है कि ये सब के बिना सच में नहीं रह सकता है लगता है। तभी वहाँ पे मिस जू आ जाती हैं और कहने लगती हैं लगता है तुम्हें एक डोर मेट मिल चुका है जिसके साथ तुम हमेशा इन्जॉय करोगी, जिस तरह से तुम मेरे साथ रहती थी और हमेशा इन्जॉय करती थी और लड़ती रहती थी, तुम्हें मज़ा आता था ना मेरे साथ लड़ने में, और तुम हमेशा ऐसा प्रिटेंड करती थी कि मैं बहुत अलग हूँ और मुझे तुम्हें परेशान करने में मज़ा आता था। तो दो ही कह रही होती है कि अच्छा तभी आप चाहती थी कि मैं शादी कर लूँ ना। तभी उसे सियोकमिन का कॉल आ जाता है और सियोकमिन कहता है कि मुझे तुमसे प्राइवेट बात करनी है, कुछ अर्जेंट है। तो दो ही कहती है ठीक है मेरे घर आ जाओ। फिर हम गुवान को देखते हैं जो कार में बैठा होता है और फ़ोन में चक्कर रहा होता है कि दो ही उसे कब कॉल करके घर पर बुलाएगी, बट दो ही तो उसे कॉल ही नहीं कर रही होती। फिर वो बाहर निकलता है और सारा सामान देख करके बहुत ज़्यादा सफोकेट हो रहा होता है, तो सारा कुछ सामान बाहर निकाल देता है कार के, फिर कार में बैठ जाता है और शांति से कह रहा था अब ठीक है। तभी हम सियोकमिन को देखते हैं जो फ्लैट पे आ चुका होता है और दोही से मिलने के लिए घर जा रहा होता है। सियोकमिन दोही के एक रूम में आता है और वहाँ पे कॉफ़ी पी रहा होता है। तभी उसे कहता है कि दोही मुझे तुमसे पर्सनल में बात करनी है। तो दोही कहती है कि ठीक है मेरे रूम में चलो, वहाँ पे परफेक्टली। तो सियोकमिन कहता है कि जियोन परफेक्टली यहाँ पे आ चुका है। तो ये कहती कि हाँ अब हम दोनों शादीशुदा आदमी हैं तो फिर हमें साथ में तो रहना ही पड़ेगा ना। तो हंसने लगती है। तो सियोकमिन को अच्छा तो नहीं लग रहा होता, बट सियोकमिन उसे पिक्चर्स दिखाता है और कहता है कि इन पिक्चर्स को देखो, ये सोन्युल ग्रुप की हैं पिक्चर्स, हैं 1997 की पिक्चर्स हैं, जिसमें दोही का दिखाता है कि देखो यहाँ जियोन दिखाई दे रहा है, देखो एक लेडी, ये कैसे हो सकता है? तो दोही सुन करके और कहने लगती है, हंसने लगती है, कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, ये कुछ ये कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तुम्हें किसी और की पिक्चर्स लग रही होगी, तुम मिसअंडरस्टैंड हो रहे हो। तो सियोकमिन कहता है बिल्कुल भी नहीं। तभी वहाँ पे दो ही इसकी बात इग्नोर कर देती है। फिर हम गुवान को देखते हैं जो अपनी पिक्चर्स को देख रहा होता है, बट वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा होता है, तो अपने फ़ोन को कार के बाहर निकाल करके नेटवर्क फाइंड आउट कर रहा होता है। ये चीज़ सियोकमिन देखता है कि किसका हाथ दिखाई दे रहा है, तो उसके पास में जाता है तो वो देखता है कि गुवान कार में बैठ करके नेटवर्क फाइंड आउट कर रहा है, और सियोकमिन उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो गुवान उससे कहता है कि बस यहाँ पे मज़े ले रहा हूँ, तो मैं क्या? तो कहता है कि मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी। फिर हम दोनों को देखते हैं जो कैफे में बात कर रहे होते हैं, और सियोकमिन गुवान से कहता है कि तुम क्यों मुझे बहुत मिस्टीरियस लग रहे हो? तो गुवान उसे कहता है कि तुम्हें क्या? तो कहता है मुझे लगता है तुम इंसान नहीं हो। तो ये सुनते ही गुवान अपने मुंह से जूस फेंक देता है, और ये बहुत ही फनी सीन होता है जिसमें गुवान अनकंफर्टेबल लग रहा होता है, क्योंकि सियोकमिन ने ऐसा पूछा ही था और सियोकमिन से कह रहा था क्यों तुम दोही के पास रहना चाह रहे हो, तुम इतना मुझे सस्पिशियस ही लग रहे हो हर टाइम। तो वो कहता है कि तुम्हें जाके दोही से क्यों नहीं पूछते कि दोही मुझे अपने पास क्यों रखना चाहती है और वो मुझसे प्यार करती है, तभी मैं उसके साथ रह रहा हूँ। तो सियोकमिन कहता है कि मुझे नहीं लगता। तो यहाँ पे सियोकमिन उसे कह रहा होता है कि हमेशा तुम पे मैं नज़र रखूँगा, और गुवान कहता है कि ठीक है रख लो जो तुम्हें करना है। फिर हम गायन को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है उन दोनों की मैरिज को सुन करके। तो वो चली आई होती है और बिना बताए हुए, और उसे सब लोग बहुत ज़्यादा बॉदर भी कर रहे होते हैं, तभी वो गिर जाती है। और फिर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गायन के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो बहुत छोटी होती है, उसके फादर बहुत ज़्यादा ड्रंक होते हैं और जो उसको मारने के लिए उसे ढूंढ रहे होते हैं, और गायन एक कमरे में छिपी होती है और उसे कह रहे होते हैं कि पागल तू कहाँ छिपी है, और उसे बहुत ही बुरा बुरा भी बोल रहे होते हैं। तभी वो दरवाजे को खोलने जा रहे होते, तभी वहाँ पर हमारा डैमन आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें याद है तुमने मेरे साथ एक डील की थी और तुमने उसके बदले ढेर सारे पैसे कमाए थे, और आज तुमने उन पैसों को गैम्बलिंग में और जुए में हरा दिए हैं और तुम अभी भी उसी गरीब हो। तो वह कहता है
कि मुझे नहीं पता उस, और वहाँ पर उसकी सोल को ले लेता है और उस एक्सपेरिमेंट को जला देता है। तभी वो गायन से कहता है कि तुम बाहर आ जाओ, अभी तुम सेफ हो। तो गायन उसके पास जाती है और कहती है कि आप एक एंजल हो क्या जो आपने मेरी मदद करी है। तो उससे वहाँ पर गुवान कहता है कि अगर मैं एक एंजल होता तो कभी भी तुम्हें मदद करने नहीं आता, मैं डेमन हूँ। तो गायन उससे कहती है कि आप डेमन बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे हो, आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बची और आपने मुझे बचाया है। तो गायन उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है कि प्लीज़ आप मुझे अपने साथ लेके चलें। और गुवान यहाँ पे मना कर देता है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ। तो वो कहती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ काम में, मुझे ले चलो अपने साथ। पर गुवान उसकी बात नहीं सुनता है और फिर हमें दिखाया जाता है गायन कहती है कि मैं एक दिन तुम्हें ना कहीं से ढूंढ लूँगी। और उसके बाद हम गायन को नंगे पाँव देख रहे होते हैं क्योंकि उसने बूट निकाल दिए होते। तभी उसके पास एक लड़का आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अपसेट हो ना, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई क्या, तुम्हें बॉयफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम मेरे साथ ड्रिंक करना इन्जॉय करोगी। बट वो मना कर रही होती है और उस लड़के को हिट कर देती, तो लड़का भी उसे मारने जा रहा होता। तभी वहाँ पर गुवान आ जाता है हमारा और उसे उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे मारता है वापस लड़के को। और सभी लड़के इसकी फाइट को देख करके डर के भाग जाते हैं और वो गायन का हाथ पकड़ के ले जाता, कहता है कि मेरे साथ चलो। तो वो कहती है कि तुमने दोबारा से मुझे बचा लिया। तो गुवान उसे घर लेके आता है और उसे कहता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो ना। तो यहाँ पे गायन उससे पूछती है कि तुमने जब मैरिड की है वो क्या सच में तुम उससे प्यार करते हो। तो गुवान कहता है कि नहीं। ये सुनने के बाद गायन खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है अब मुझे कुछ नहीं जानना, और सो जाती है। पाक्यू कहता है कि तुम्हें पहले ही ये बात बता देनी चाहिए थी गायन को, अगर उससे परेशान नहीं होती कभी भी। ये देखो ना ये कितनी ज़्यादा स्कैर्स है और कितनी परेशान है, इससे हमारी इफ़ेक्ट हमारे काम पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो गुवान और पाक्यू सारे फाइल्स पे सिग्नेचर्स ले रहा होता है, जिसमें गुवान अपनी बात बताता है पाक्यू को, मेरी पावर्स आ चुकी हैं। तो ये कहता है कि रिडिकुलस है, आपकी पावर ऐसे कैसे जा सकती हैं, आप तो डेमन हो। तो वो बता रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि मेरी पावर्स आ जा रही हैं इस वजह से, क्योंकि मैं ह्यूमंस के इमोशंस को अपने अंदर समझ पा रहा हूँ। अगले सीन में एक सस्पिशियस आदमी को देखते हैं जो कोई और नहीं हमारा किलर होता है, जिसने अपना चेहरा फिर से बदला होता है और वो गुवान के ऑफिस में होता है और सारी चीज़ें देख रहा होता है। उसने उसके डेस्क पर पे तो कैमरा भी लगा दिया था जिससे कि वो उन सबकी वॉइस को सुन सके और वह सारा सामान बहुत अच्छे से देख रहा था। तभी उसकी नज़र उस बुक पर जाती है जो डेमन्स की बुक होती है, उस पर लाइट चल रही होती है। तो उस बुक को लेके वो चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि रात में गुवान दोही के घर में घुसता है और जैसे कि दोही को पता ना चले, पर दोही तो वहीं बैठी होती है और लाइट को ऑन कर देती है, जैसे देख करके गुवान तो डर जाता है, कहता है कि तुम क्या करना चाह रही हो, लगता है तुम मुझे ज़िंदा ही मारना चाहती हो। तो दोही कहती है अच्छा हुआ तुम घर आ चुके हो ना रात में। तो यहाँ पे गुवान उसे कहता है कि तुम जग रही हो, मेरा इंतज़ार कर रही थी क्या, तो मेरी फिक्र है क्या तुम्हें मेरी। तो वो कहती कि नहीं चलो हमें सो जाना चाहिए। तभी वो उसे कहता है कि मुझे अपने आप को चार्ज करना है तो मुझे तुम्हारे साथ ही लेटना पड़ेगा। तो वो दोनों दूसरे के साथ लेटे होते हैं और यहाँ पे गुवान अपना उसका हाथ पकड़ करके अपने आप को चार्ज कर रहा होता है। तो दोनों से कहती है कि तुम ठीक हो ना अब तो। तो वो कहता है कि हाँ मैं परफेक्ट। फिर मॉर्निंग में देखते हैं कि दोनों बहुत ही परफेक्टली सो चुके होते हैं और गुवान उठने के बाद उसे ही देख रहा होता है। तभी दोही उसकी तरफ मुड़ती है तो गुवान अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर अपनी आंखें खोलता है, जबकि दोही ने तो अपनी आंखें खोली नहीं होती। फिर धीरे ही दोही भी अपनी आंखें खोल देती, तो गुवान अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे ही देख रही होती, कह रही होती है कि मन में कि कितना क्यूट दिख रहा है। तभी गुवान भी अपनी आंखें खोल देता है और ये दोनों एक दूसरे को ही स्टेयर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मिस सिन की कॉल आ जाता है। तभी मिस सिन उसे बताती है कि बहुत बड़ी न्यूज़ वायरल हो चुकी है मैम आपके बारे में। हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर है जो फेक रिपोर्टर होता है और चेयरमैन जू की मर्डर के बारे में बता रहा होता है सब कुछ, कि सब मर्डर का प्लानिंग किसी और ने नहीं दोही ने किया है और दोही ने चेयरवुमन बनने के लिए ही ये सारा काम किया है। ये सारी न्यूज़ पूरी दुनिया देख रही होती है और वो इस तरह से दोही की इमेज को ख़राब कर रहा होता है अपने। ये सारा काम शो कलीग्स भी देख रहे होते हैं ऑफिस के, दोही वाले के कलीग्स सभी परेशान होते हैं कि हम कैसे इस आर्टिकल्स को हटाएं और उसको कैसे बंद करें। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जहाँ पे मिस सिन उससे बात कर रही होती कि हम कैसे इस चीज़ों से बाहर निकलें। दोही कह रही होती कि हम बाहर निकल आएंगे। फिर उसे सुहाना की बात याद आ रही होती कि सुहाना उस कलीग को कि उन्हीं लोगों ने कुछ किया है शायद। यहाँ पर सॉकमिन होता है, सॉकमिन कह रहा होता है या ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं सियोकिन हो सकता है। और यहाँ पे दोही कह रही होती है मुझे सियोकिन से बात करनी होगी कि वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरी परमिशन के बिना, बोलो मेरी इमेज को कैसे ख़राब कर रहे हैं और मुझसे बिना पूछे कैसे कोई भी मेरे लिए मेरे बारे में यहाँ पे बातें कर सकता है। तभी हम सियोकिन को बाहर जाते हुए देखते हैं। वन और दोही दोनों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोच रहे होते हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तभी मिस सिन रूम में जाती है तो कहती है कि वहाँ पे मिस
दोही और गुआन दोनों नहीं है। ये सुन करके सियोकमिन भी देखने के लिए आता, सोचता है कि इतनी जल्दी ये लोग कहाँ जा सकते हैं। अगले ही सीन में दोही और गुआन दोनों ही सियोकमिन की जगह पे आ चुके होते हैं, जहाँ पे दोही से कैरी होती है कि तुम यहीं पे रुको, मैं जाकर उससे बात करके आती हूँ। तो सियोकमिन भी शौक होता है, कहता है कि तुम यहाँ पे मेरे अड्डे पे क्या कर रही हो। दोही से कहता है, सियोकमिन दोही से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और दोही उसे बताती है कि तुमने मुझे शादी के बाद ऐसा गिफ्ट ही दिया है जिस गिफ्ट को ना ही मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो सियोकमिन उससे कहता है, ये गिफ्ट तो तुम डिजर्व करती ही थी, तुम्हारी फेक शादी के बाद तो ये तो होना ही था तुम्हारे साथ। तभी यहाँ पे दोही उसके क्लोज आती है और उससे कहती है कि तुम्हें याद है कभी मिस जू ने ये कहा था कि मैंने शैतान के बच्चों को जन्म दिया है, क्योंकि तुम्हारी एक ऐसी बड़ी गलती की वजह से मिस जू तुम्हें जेल में डालना चाहती थी और पर तुम्हें डाल नहीं पाई थी। और तभी वहाँ पे सियोकमिन गन को सामने ले आता है और कहता है कि तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। तो वो उससे कहती है कि जो मैं जो कर नहीं पाई थी ना, वो तुम कभी भी नहीं कर पाओगे, और तुम कभी भी मेरी इमेज को कभी भी घटा नहीं पाओगे, मेरी इमेज। तभी यहाँ पे सियोकमिन गन को शूट कर देता है और वो गन, यहाँ पे दोही डर जाती है और गुआन भी आ जाता है, उससे कहता है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। फिर हम देखते हैं कि उसने खंभे को शूट किया था और उसे कह रहा होता है दोनों से कि तुम दोनों अपनी सलामती चाहती है तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। ये सुनने के बाद कोई भी दोही भी उसे जवाब देती है, कहती कि ये याद रखना। दोही भी उसे कहती, पीछे से वार करना सिर्फ तुम्हारे ही काम हो सकता है, और मैं इतनी ज़्यादा साहसी हूँ कि मैं तुम्हारी इस वार से मुझे डर नहीं लगता है। और सियोकमिन भी उसकी बातों से हंस रहा होता है कि जाके पहले अपनी कंपनी को संभालो। और यहाँ पर हम दोही को भी देखते हैं जो बहुत परेशान लग रही होती है। फिर हम उसे रिपोर्टर्स को देखते हैं जो दोही और गुआन की मैरिज के बारे में गलत अफवाहें फैला रहा होता है। तभी वहाँ पे गुआन और दोही दोनों ही अचानक से आ जाते हैं, जो उसकी बातों जो उसके कंप्यूटर पे गुआन वहाँ पे मैजिक से सारा चीज़ों को स्टॉप कर देता है, और वो बिल्कुल शॉक होता है कि सारी चीज़ें कैसे बंद हो गई। रिपोर्टर तो गुआन और दोही को देख के तो गिर जाता है और यहाँ पे कहने लगता है कि तुम दोनों यहाँ पे अंदर कैसे आए। दोही से कहती है कि तुमने बिना पूछे मेरे बारे में गलत अफवाहें क्यों फैलाई हैं। तो वहाँ पे रिपोर्टर कह रहा, आप तो रियल से भी ज़्यादा क्यूट कपल लग रहे हो दोनों के दोनों। गुआन रिपोर्टर से पूछता है कि तुम्हें आखिर लाइफ में चाहिए ही क्या। तो रिपोर्टर से बताता है कि मैं तो बस पॉपुलर और बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो मैजिक से रिपोर्टर्स और ख़ुद को उस बैंक में ले आता है जहाँ पर ढेर सारा पैसा होता है। तो वो कहता है रिपोर्टर कि आप कोई मैजिशियन हो क्या जो आप मुझे इतने सारे पैसे देने वाले हो। तो दोही से कहती है, अब हम कल सुबह यहाँ पे तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, और जिससे कि रिपोर्टर्स सभी तुम्हें यहाँ पे आ जाएंगे, पुलिस वाले सभी सब गिरफ्तार कर लेंगे और तुम्हारी पॉपुलरिटी सब कुछ चली जाएगी। ये सुनने के बाद वो गुआन से कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, जो तुम लोग कहोगे मैं वही करूँगा, बस मुझे बचा लो। तो यहाँ पे वो मान जाता है और उस आर्टिकल को डिलीट कर देता है। तभी हम देखते हैं गुआन और दोही थोड़े खुश होते हैं, और यहाँ पे तभी गुआन को कॉल आता है पाक्यू का, वो कहता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है सुनील, आ जाओ जल्दी से यहाँ पे सुनील ग्रुप में। तो वो दोनों वहाँ पे भी वहाँ पे गुआन और दोही दोनों आ जाते हैं, जिससे कि पाक्यू डर जाता है और उससे कहता है कि यहाँ पे वो बुक कहाँ चली गई जो मेरी फेवरेट बुक थी और मुझे उसकी ज़रूरत है। वो अपनी पावर से सारी चीज़ें तो चेक भी करता है, और वहाँ पे दोही उन बुक्स को पढ़ करके हर मज़े ले रही होती कि पास टाइम में तुम कैसे दिखते थे गुआन को। वो गुआन आता है और बुक को ले लेता, कहता है कि तुम मेरी पर्सनल चीज़ों को अपनी नाक नहीं घुसा सकती हो। पाक्यू उन दोनों को लड़ाई करते हुए देख के हंस रहा होता है और कहता है कि मैं अपनी गेम को कभी भी नहीं हार सकता हूँ। और फिर वहाँ पे अपनी पावर से उन बुक्स को भी चेक कर रहा होता है, बट वहाँ पे उसे पता नहीं चलता कि मेरी बुक्स कहाँ चली गई हैं। क्यों उसी बुक के बारे में दोही का पता नहीं लगता, जो ग्रीन कलर की थी, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्प्रिंकल कर रही होती। तो दोही कहती कि मैंने देखा था जब मैं आई थी पहली बार, तो तुमने मुझे इस बुक को पढ़ने नहीं दिया होता है। तो यहाँ पे दोही से कह रही होती मैं हमेशा मुझे ही यूज़ करती। तो गुआन भी कहता है कि हाँ मैं तुम्हें यूज़ कैसे करता हूँ। फिर बताती है कि तुम हमेशा चार्ज तो मुझी से करते हो ना अपने आप को। तो कहता है कि हाँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे किलर उन दोनों की बातों को सुन रहा होता है रिकॉर्डिंग से। तभी उसे पता चल जाता है कि हमारा जो एक्ट मेन लीड है ना, वो डेमन है, और उस बुक को पढ़ने लगता है जहाँ पे उसकी पावर्स की लिमिटेशंस लिखी होती हैं। उसमें पता चलता है कि यहाँ पे कि डेमन किसी भी ह्यूमन को नहीं मार सकता है, और वो गॉड के रूल्स को फॉलो करेगा, उनके रूल्स को ब्रेक भी नहीं कर सकता है। और तभी हम देखते हैं कि गुआन अपनी पावर से सारी बुक लिस्ट को चेक करता है, बट वहाँ पे वो सारी बुक्स उसे यही बताती हैं कि किसी ने आपकी बुक को चोरी कर लिया। तो वो सोचता है ये कौन कर सकता है। फिर वो बताता है दोही से कि ये सब कुछ करने वाला सियोकमिन नहीं हो सकता है। तो दोही उससे कहती है कि सियोकमिन ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, बट उसने मुझे ऐसा पूछा था, बट मैंने उसे उसकी बात को टाल दिया था। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं जहाँ पे गायन अपनी लास्ट रिहर्सल की प्रैक्टिस करने वाली होती है। तो उसको देखने के लिए वहाँ पे गुआन और दोही दोनों साथ में होते हैं, जिसे देख के गायन को थोड़ा अच्छा तो नहीं लगता, बट वहाँ पे वह कहती है कि मैं अपना शो आज इन लोगों को प्रूव करके दिखा दूँगी, और ये मैरिज तो कुछ भी नहीं है। वहाँ पे गायन अपना बेस्ट देती है, जिसे देख करके गायन और दोही को भी अच्छा लग रहा होता है, बट यहाँ पे गुआन
को उसका परफॉर्मेंस देख करके उसी लेडी की याद आ रही होती है जो उसके ड्रीम में आई होती है, और वो समझ नहीं पा रहा होता कि वो लेडी कौन है क्योंकि उसका फेस तो उसे दिखाया नहीं जा रहा था, बट ये बार बार यही सोच रहा होता है गोवान वहाँ बैठे दो ही भी उसे देख रही होती है कि गोवान इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल क्यों है हो रहा है। फिर हम देखते हैं परफॉर्मेंस करते हुए गोवान को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंस फील हो रहा होता है। फिर वहाँ पे गायन अपना परफॉर्मेंस देने के बाद गोवान से पूछती कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा था, बट गोवान उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता और वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे दोही से कहती कि तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और तुम्हारा परफॉर्मेंस बिल्कुल भी बेस्ट है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत। दोही गोवान को जाते हुए देखते, जब हम बाहर देखते हैं कि गोवान बाहर उसी पेंटिंग को देख रहा था जिसमें वो लड़की फाइट कर रही होती है और फिर उसी लड़की को याद कर रहा होता है जो उसने जिसे उसने अपने ड्रीम में देखा था जो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से फाइट कर रही होती है, वो बिल्कुल इसी लड़की की तरह दिखाई दे रही होती है। तभी हम सुनियोल फाउंडेशन के बाहर दोही और गोवान को बातें करते हुए देखते हैं कि वो तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती, पहले मुझे ख़राब लगती थी बट वो बहुत ज़्यादा बेस्ट करने लग गई है। फिर यहाँ पे गोवान उसका हाथ पकड़ करके अपने आप को चार्ज करने वाला, तभी वहाँ पे वो सारे गुंडे आ जाते हैं और उसे कहने लगते हैं। ये सब को देख के गोवान को लगता है कि हमें यहाँ से भागना होगा और वो दोही से कहता है कि जब मैं यहाँ पे एक दो तीन गिनती गिनूँ तो हम लोग भाग जाएंगे। तभी सारे गुंडे उनके कदमों में नीचे गिर जाते हैं, कहते हैं कि आप हमारे बॉस बन जाएँ प्लीज़, हमें आपकी पावर्स की ज़रूरत है और आपकी पावर्स से हम सीखना चाहते हैं। तो वो कहता है कि यस राइट, मैं तुम्हारा बॉस बन सकता हूँ, और वो लोग भी यहाँ पे काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो वहाँ पे गोवान कहता है मेरी मुझे फॉलो मत करो ठीक है, अगर तुम मुझे फॉलो करोगे मैं तुम्हारा बॉस नहीं रहूँगा। बट वो तो वहाँ पर रुक ही नहीं रहा होता है, वो उसी को फॉलो कर रहा होता है और गोवान उसे बहुत समझाता है बट वो नहीं मानता है। उसके ऊपर गोवान अपना रुमाल डालता है, कहता है कि तुम बॉस मेरी बॉस होना, मैं तुम्हारा बॉस की बात माननी पड़ेगी। तभी हम एक सस्पिशियस आदमी को देखते हैं जो उसी बुक को पढ़ रहा होता है और फिर वो आगे की रिकॉर्डिंग भी सुन रहा होता है जिसमें उसे पता तो चल रहा होता है कि वो, और फिर उसी कैमरे की रिकॉर्डिंग को देख रहा था जिसमें उसकी फाइट होती है और वहाँ पे उस कैमरे की रिकॉर्डिंग आगे काम नहीं कर रही होती है। तभी वो किलर उस आदमी को मैसेज करता है कि गोवान एक रियल आदमी नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। फिर हम देखते हैं कि किलर ने अपना चेहरा बदल लिया होता है। में गोवान दोही को घर छोड़ चुका होता, कह रहा होता कि मुझे अर्जेंट काम से बाहर जाना होगा। तो दोही से कह रही होती कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो गोवान से कहता है बस काम है। तो उसे कहती है कि जल्दी ही घर आ जाना, और ये सुन करके उसे खुश हो रहा होता कि वो मेरी केयर तो कर रही है। और फिर हम उधर देखते हैं कि वो बहुत खुश होती है और सारा डिनर तैयार कर रही होती और गोवान का वेट कर रही होता, उसका फेवरेट केक भी रखती। तभी वहाँ पे उसका गेट पे पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे मिस जो के सस्पेक्ट में, मर्डर के सस्पेक्ट में गिरफ्तार करके लेके जाते हैं और वो उन लोगों को समझा भी रही होती बट उनकी कोई बात नहीं सुनता। फिर वहाँ पे हम सुकमिन की वाइफ को देखते हैं जो उससे कह रही होती कि मुझे नहीं लगता कोई गेम ख़त्म हुआ है। और वहाँ पे साइकमिन वही से बातें कर रहा होता है और इसे इस केस के मर्डर के केस के सस्पेक्ट से बाहर निकालने की कोशिश भी कर रहा होता है। डायजोन को भी देखते हैं जो डिनर कर रहा होता है, उसके फ़ोन पे मैसेज आता है और वो देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं गायन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है जिसे गोवान भी देख रहा होता है और गोवान को मिस सिन का कॉल आता है कि दोही प्रॉब्लम में है। और ये सुनने के बाद गोवान बहुत तेज़ी से भागता है और वो बाहर ही निकल रहा होता है। तभी वो एक आदमी से टकरा जाता है और ये आदमी कोई और नहीं किलर होता है, और इस किलर ने हमारे गोवान पे चाकू डाल दिया होता है जिसकी वजह से यहाँ पे गोवान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है और दोही को ऐसा फील भी आ रहा होता है कि कुछ तो गलत है। फिर हम उस किलर को देखते हैं, उस किलर ने गोवान को बहुत ही बेरहमी से दोबारा मारा और उस चाकू पर भी अपना पैर रख के उस चाकू को बहुत अंदर तक गिरा रहा होता है जिससे कि गोवान बिल्कुल ही मर जाए। पर गोवान किसी न किसी तरह से अपना बचाने की कोशिश कर रहा होता है, बट उस किलर ने तो गोवान को बहुत ही बेरहमी से मार दिया होता है। और हम उसकी रिंग को भी देखते हैं जो खून से लथपथ हो चुके, और यहाँ पे दोही इतनी ज़्यादा परेशान हो रही होती कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। यहीं पे हमारे शो की एंडिंग हो जाती है। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। गाइस बाय।